हाय गाइस, सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई जा रही है। इसके अंदर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज नहीं है। आप अपने रिस्क एंड कॉस्ट और अपनी स्टडी के बेसिस पर किसी भी चीज में इन्वेस्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल। कंटिन्यूअसली आप लोगों को अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि भाई BTC का प्राइस अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहां तक जा सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। और अभी आज रात को यानी कि मॉर्निंग में ही 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे तीन बैक टू बैक वीडियोस दी हैं, ठीक है, फुल स्क्रीन के साथ, जिसके अंदर मैंने इथेरियम कॉइन, अगर आप जानना चाहते हैं इथेरियम के बारे में, बिटकॉइन उसके बारे में जानना चाहते हैं, और अरब कॉइन उसके बारे में भी कंप्लीट कंप्लीट सिंगल सिंगल कॉइन करके वीडियो बनाई गई है। ज्यादा बड़ी नहीं है, दो दो तीन तीन मिनट की वीडियो है, तो आप उसे देखकर अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो उसे आपको समझ में आ सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। आज के सेशन के अंदर दोस्तों मैं आपको वैसे BTC की भी चर्चा करूंगा, साथ के साथ जो इसराइल और ईरान की जो वार आ रही है, जिसकी न्यूज निकल कर आ रही है, तो उसका उसका क्या इंपैक्ट देखने को पड़ सकता है। देखिए, ईरान इसराइल टेंशन में है, तो US ने भी ईरान को खुली चेतावनी दे दी है दोस्तों। ये अच्छा मामला नहीं है, पॉजिटिव साइन नहीं है। वर्ल्ड वार थ्री जैसे यूक्रेन और रूस का तो पहले ही से ड्रामा चल रहा था, अभी यहाँ पे ईरान इसराइल का आ गया, फिर इसमें US का भी ड्रामा चल रहा है, तो ये अच्छा साइन नहीं है। और इसकी वजह से कल देखिए, जैसे ही उधर से रॉकेट लॉन्च हुआ थ्रू ड्रोन, और इधर देखिए मार्केट डंप हुई। तो ये आपको इस चीज पर नजर रखनी है, नजर रखनी और नजर रखनी है। मार्केट में जैसे जैसे कोई भी इस तरह की न्यूज आएगी, मार्केट रिट्रेसमेंट मोड पे जाती रहेगी। BTC की अगर बात करते हैं, अगेन सुन लीजिए, BTC की अगर बात करते हैं तो BTC 65,000 के नीचे जब तक बना रहेगा डेली टाइम फ्रेम में, तो इसके चांसेस मैसिवली ड्रॉप होने के हैं, यानी कि 57 से 58 जो एक हर्डल है इसके लिए, एक स्टॉपेज है, ठीक है, और इसके बाद सीधा 50 से लेके $52,000 तक के भी चांसेस हैं। और अगर ऐसा होता है तो इट मीन्स ये अपने कम से कम 30 से 50% का जो ऑल टाइम हाई के बाद जो रिट्रेसमेंट पॉइंट होता है, नियर हाविंग इन नियर BTC हाविंग जो हर 4 साल में होती है, तो इस तरीके से ये अपना ये लेवल भी अचीव कर लेगा। शायद इसके बाद हमें एक हेल्दी मूवमेंट देखने को मिलेगी BTC के अंदर, जो कि ये है कि जब भी अपने साइकिल को पूरा करता है, हर 4 साल बाद जब भी ये साइकिल को पूरा करता है, नेक्स्ट साइकिल के पास इसका जो प्राइस कम से कम 4 से 5 गुना बढ़ जाता है हमेशा। आप अंदाजा देख लीजिए, अभी लास्ट 2020 का प्राइस को देख लीजिए, जब ये इसके हविंग हुई थी तो अप्रोक्सीमेटली 1800-1900 के आसपास का प्राइस, और उसके बाद देख लीजिए आप 2024 में, और अब यहाँ पर देखेंगे आप तो इतना मैसिव प्राइस हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स 4 टाइम्स के आसपास हो चुका है। तो अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर मैं सारी अपडेट देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो US की न्यूज पर नजर रखिए दोस्तों, आज की टाइम पर सिर्फ चार्ट को देखकर ट्रेड नहीं हो रही है, न्यूज तो वर्ल्ड को भी देखकर हमारी ट्रेडिंग चल रही है। और इस वक्त DCA कीजिए, DCA कीजिए, लॉन्ग शॉर्ट वाले सिर्फ निपटेंगे और कुछ नहीं होगा उनका, क्योंकि एक सिंगल वीक में डंप कर रहे हैं और सिंगल वीक में अच्छा खासा पंप कर रहे हैं। जो होते हैं कि जल्दी ही एक बार में मैं चलो 10 की पावर लगा देता हूँ, 10x की लेवरेज ले लेता हूँ, 20x की ले लेता हूँ, और एक झटके में 2-3% भी प्रॉफिट हो गया तो मैं बाहर आ जाऊंगा, वो भी उनको भी निपटा देती है। तो ऐसे ना करें, ओनली सपोर्ट कीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए चलता हूं आपको अपने चार्ट के ऊपर लेकर, और जहां पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा मार्केट के बारे में। तो आप देख सकते होंगे कई सारे कोई नहीं, देखिए सडन आपको पंप करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि BTC 63 और 65 के बीच में इस वक्त है, और 65 से नीचे जब तक रहेगा बहुत मेजर रिस्क रहने वाला है। अगर बात करते ईथर का 3.03 यानी कि $3,030 का प्राइस चल रहा है, और अगर बात करते हैं BTC 64.27 का प्राइस चला, आपको स्क्रीन पर ऊपर टॉप पर भी दिखाई दे रहा होगा, BNB 557 का प्राइस चल रहा है, BNB नहीं टूट रहा, देखिए बाकी ऑलमोस्ट सारे टोकन्स गिर चुके हैं, चाहे आप अरब की बात कर लीजिए, चाहे मांटा की, चाहे पिक्सल की, चाहे बेल की, कहाँ 2.65 तक गया था और कहाँ भाई 85 सेंट तक आ चुका है। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सारी डिटेल आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही होगी। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करूँ, चेन में देखिए क्रीम विप
कहां 4-5 डॉलर तक गया, कोटी की बात कर लीजिए, सिन की, ये देखिए इतना सडन के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कोटी का ही, एक एग्जांपल कोटी का लेता हूँ या फिर विफ का लेते हैं, तो अभी जो मैं दिखाई दे रहा है, बाकी मैं आपको चार्ट के ऊपर बीटीसी की अपडेट देने की कोशिश करूंगा। विफ देखिए, विफ आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने डे टाइम फ्रेम पे लगाया था और यहाँ पर हमारे पास देखिए ये स्पोर्ट था, इसने स्पोर्ट को बाउंस किया है। देखिए नीचे फ्रेश क्लोजिंग नहीं दी थी जबकि 1.94 सेंट तक गया भी है ये, और इसके बाद देखिए क्या बेहतरीन पंप हुआ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्रॉम डम 45% पंप है, 45% पंप है दोस्तों ये, ठीक। अगर इसके वो सस्टेन करता है तो फिर हमारे पास 3.18 तक का टारगेट रहेगा, बट ऑलरेडी जो 40% तक पंप हो चुका है उसमें अब रिस्क है, उसमें अब रिस्क है। हाथ सवा $2 से लेकर आपको $1.5 के बीच में मिलता था, विफ कॉइन को देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक आपके आइडिया के लिए चार्ट को अपने ट्विटर पेज के ऊपर शेयर कर देता हूँ, वहां से आप जाकर अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, जितने भी सज्जन इस वक्त लाइव के अंदर है वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब आप लोगों की क्वेरी भी देख लेते हैं एक बार बीटीसी के अपडेट के बाद। देखिए अगर बीटीसी के अपडेट की बात करते हैं, इस वक्त बीटीसी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 64,237, तो और इस वक्त जो हम ये हमारे एंट्री जोन पर आपको दिखाई दे रहा होगा 64,237, ये भी एक हमारी एंट्री थी, इसके नीचे हमारे पास 60,700 तक की है। आई डोंट थिंक कि बिट स्टैम्प पर क्यों नहीं गई, बाकी कई एक्सचेंजेस पर तो जा चुके हैं, 60 से भी नीचे प्राइस गया है कई एक्सचेंजेस पर। तो अगर आपको एक एंट्री अगर इसके वो सस्टेन कर जाता डेली टाइम फ्रेम पे, तो फिर करीब करीब हमारे पास टारगेट रहेगा 65,541, उसके बाद टारगेट रहेगा हमारे पास 67,575 के आसपास का। बाकी देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट सिनेरियो। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे देखेंगे आप, बुलिश पिनेट पैटर्न था जो इसको इसने ड्रॉप डाउन कर दिया है और ये नीचे की तरफ है इस वक्त, और यहाँ पे जो हमारे पास मेजर स्पोर्ट था 65,500 ब्रेक हो चुका है, इसके नीचे हमारे पास जिस देखिए सीधा स्पोर्ट कहाँ मिल रहा है 52,000 पर, 50,570 के आसपास, बीच में बस एक हर्डल देखने को मिलेगा जो कि करीब करीब होगा 57 से 58 के पास, यहाँ पर करीब करीब हमें एक स्पोर्ट देखने को मिलेगा, तो एक एंट्री हम यहाँ भी लेंगे। अगर इसके नीचे बना रहता है तो स्लोली बट श्योरली ये नीचे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है, कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है। हाँ अगर BTC 65,000 के ऊपर बनता है और स्टेबल करता है स्टे रहता है तो फिर हम इजिली इसको दोबारा से 69,70,000 तक देख सकते हैं, 70,300 से 73,000 तक ये एक रेजिस्टेंस जोन है, क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर कोशिश कीजिएगा 50% तक प्रॉफिट आपका बुक हो जाए, क्योंकि जब तक BTC हाविंग का डंप नहीं हो आता है तो ठीक। अगर डंप आ जाता 30 से 50% तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर आप उसको होल्ड रख सकते हैं। अगर डंप नहीं आता है तो उस जोन में कम से कम 50% प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर वापस दोबारा से रिट्रेसमेंट आता मार्केट के अंदर तो 50% से दोबारा से आप क्वांटिटी लेकर अपने अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं BTC डोमिनेंस जो कि इंक्रीज हो रहा है, बोला था 55 से ऊपर खतरनाक है। अभी देखिए कितना मैसिव गया था ये, 57 से भी ऊपर गया था और अब दोबारा 55.91 है। अगर BTC डोमिनेंस आपको ठीक है अगर 25 EMA के नीचे दिखता है डे टाइम फ्रेम पे तो बहुत अच्छा साइन दिखेगा और फिर अल्ट्स के अंदर काफी अच्छा खासा प्रॉफिट आप देख सकते हैं, बट अभी अल्ट्स के लिए सही साइन नहीं दे रहा। अभी डोमिनेंस रिजेक्ट हो रहा है, गिर रहा है, इसकी वजह से आप अभी काफी सारे कॉइन्स के अंदर अभी देख सकते हो काफी अच्छा खासा ये उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। चाहे फार्म हो, चाहे ये हो, विफ हो, MDX है, कोटी है, CKB है, इनमें आप देख रहे हो काफी अच्छा खासा ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं ईथर कॉइन की, मार्केट गिर सकती है। LP डिजिटल स्टूडियो क्यों गिर सकती है, जब तक BTC 65,000 के नीचे है सीधा फिर सीधा टारगेट 57,000 से 52,000 तक का है हमारा, टाइम लेता है एक दिन, जरूरी नहीं कि एक दिन लगे कि आपका, आपको 10 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। और क्या आपका BTC हाविंग का जो डंप होता है 30 से 50% का, ये आपको क्या आपका हाविंग के बाद देखने को मिले, क्योंकि उसमें तो कुछ भी दिन नहीं रह गए, ठीक है। तो ईथर
ईथर का जो की लेवल था 2900 का हमारा सपोर्ट था, हमने यहाँ पर एक एंट्री ले लिया। इसके बाद हमारे पास 2600 के आसपास 2694 यानी कि 2700 पर एक एंट्री देखने को मिलेगी। तो ईथर में आप यहाँ पर एंट्री अगर जिसने नहीं ली है वो इन जोन पर ध्यान रखेंगे वो उनको ले लेंगे, और जिन लोगों ने हमारी वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यूसली वो यहाँ पर एंट्री ले चुके हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों जितने भी सज्जन हमारे साथ हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए नीचे आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, नीचे आ सकता है। चलो अब चलते हैं, ईथर का हो गया है, अब मैं बात कर लेता हूं डीएक्सवाई। डीएक्सवाई हमें क्या कह रहा है, डीएक्सवाई 106 तक जा चुका है दोस्तों। यहां पर देखिए आप, ये देखिए इसने इसको ब्रेक कर दिया, इसके बाद 109 तक का प्राइस है। आपको मैं कल भी कह रहा था अगर हमारा डीएक्सवाई ठीक है यहां से इसको ब्रेक करता है तो हमारे पास ये लेवल हो सकता है। अगर अब मैं बात करता हूं यहाँ पे यूएसडी डोमिनेंस की, तो यूएसडी डोमिनेंस देखिए यहां से जाने के बाद हमारे पास टारगेट क्या था, यहां तक का था, और यहां तक जाता तो हम बीटीसी को 60,000 तक भी देख सकते हैं, और बीटीसी ने $60,000 को करीब अचीव कर भी दिया है। अगर मैं बीटीसी के प्राइस को देखता हूं, अब रिजेक्शन ले रहा है, अगर यहां तक रिजेक्शन लेकर आता है तो उस टाइम उस पीरियड में चाहे एक दिन दो दिन हमें थोड़ा सा ग्रीनरी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हम अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, यूएसडी डोमिनेंस आपने देख लिया, डीएक्सवाई देख चुके आप, तो इन पर अगर आप नजर रखेंगे ना तो आप अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं। तबरेज खान जी सिग्नल दिए तो हैं, कितने सिग्नल दिए हैं, आप तो हमारे वीआईपी यूजर हैं, अनलिमिटेड सिग्नल दे रहा हूं आपको, अपडेट दे रहा हूं, अभी आप वहां से देखेंगे तो हम करीब करीब अच्छी एवरेज पर है, प्रॉफिट साइड पर भी है। ठीक है, जीएमटी, जीएमटी देखा जाए तो डबल बॉटम के पास था, यहां से इसने पंप लिया है। हाँ देखिए ये रहा, करीब करीब यहां से इसने पंप लिया है, यानी कि 23 सेंट पर आपको फिर से मिलता तो एक एंट्री ले सकते हो, क्योंकि 23 सेंट के बाद काफी नीचे हमारे पास सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो जब तक ये होता है उसके बाद फिर हम दोबारा से चेक करेंगे कि मार्केट का जैसा सिनेरियो रहेगा मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है गाइस, तो ये था टारगेट हमारे पास 29 सेंट का रहेगा, फिर 31 सेंट का रहेगा। जीआरटी पर आ चुके हैं, तो चलो ये देखिए जीआरटी की बात करें तो जीआरटी पर करीब करीब हमें यहां पर अच्छा खासा सपोर्ट है, और साथ में 200 ईएमए का भी डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट है, यानी कि एक एंट्री यहां बनती है, यानी एंट्री हमारे 23 सेंट के आसपास बनती है, 24.5 सेंट तक आ चुका है। फिर से अगर यहां मिलती है तो चांसेस जो पूरे पूरे हैं, मिलती है तो यहां पर जरूर एंट्री ले लीजिएगा। ठीक है, छोड़ना नहीं है, उसके बाद हमें मिलेगी सीधी 15 सेंट पर एंट्री। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में बाकी इसके बारे में दोबारा से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। पप्पू शाह जी गुड आफ्टरनून, अरब कॉइन सुबह ही वीडियो बनाई थी, देखिए क्या बेहतरीन पंप हुआ है। आज जब सुबह वीडियो बनाई थी तो लोगों को ये बोला था कि बाय कर लो, ठीक है 103.03 था, अगर 111 चल रहा है इट मीन्स कम से कम भी 7% प्रॉफिट पर होगा मामला। अगर मैं देखूं तो करीब करीब यहां पे हमने लिया था, ये देखिए 9% प्रॉफिट तक आया, और क्या लोगे दोस्तों, इतनी अपडेट देने के बाद बताने के बाद भी अगर आप सोच रहे हैं ले ना ले तो फिर क्वेश्चन गलत है। अरब की स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, पता नहीं आप सब देखते ही नहीं है, देखते नहीं है। $1 के पास अरब मिलता जरूर ले लेना, $2 बहुत आसानी से जाएगा, बहुत आसानी से, क्या आपको 15 दिन में देखने को मिल जाए बीटीसी स्टेबल होती, और क्या आपको 2 महीने में देखने को मिल जाए, पर होगा जरूर। ठीक है, तो अरब पर नजर बना के रखेगा, लेवल्स हैं 98 सेंट, 92 सेंट और 81 सेंट, इस पर एंट्री जरूर ले लीजिएगा। टोन भैया टंटन आ रहा है कहां, 5 से 7 तक, अब लेट हो गए हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, अब टोन में अभी टोन का कोई चांस नहीं है, आएंगे $9 जा सकता है, मेरा लिक्विडेशन है उधर। अरे नहीं नहीं नहीं, $9 के बिल्कुल भी चांस नहीं है, देखिए विक लगा दे ये एक अलग चीज है, ठीक है, पर $9 के चांसेस नहीं है, तो क्या आप उसको होल्ड करे रखोगे, और जब तक होल्ड करोगे आईएनजे को आपको फीस भी तो कटेगी,
तो ऐसा मतलब अगर आप होल्ड कर रहे हो, देखिए 5-7% 8% का स्टॉप लॉस लेकर बाहर आ सकते हैं, उसके बाद नीचे एंट्री मिलती है तो दोबारा से ले सकते हैं। अभी आप जब तक इसकी पोजीशन चालू रहेगी आपको टेंशन रहेगी। आईएनजे के मेरी सुबह सुबह मतलब रात को 1:30 बजे के आसपास मेरी जो मेरी एंट्री एक थी $18.50 पर भी है, 18.50 पर मैंने आईएनजे टोकन को फिर से बाय किया, 25 पे भी बाय किया था, 22 पे भी बाय किया था। ठीक है, ओवरऑल मैं करीब करीब $22 के आसपास मेरी एंट्री है। अगर मैं अभी भी देखता हूँ एवरेज बाय तभी भी मैं प्रॉफिट साइड पे हूँ, $3 से $3.25 पर टोकन पर ओंडो। ओंडो हमारे पास 81 सेंट पर है, देखिए क्या बेहतरीन एंट्री थी यहाँ पर, 65 से लेकर क्या बात है 54 तक ओंडो तो बहुत भयंकर रिकवर करके गया भाई, 54% इसके अब और उठता है तो मैं अच्छा साइन देगा। बट मेरा ये कहना है कि ये कॉइन अभी रिसेंट पंप हुआ है, जिन लोगों ने लॉन्ग या स्पोर्ट में भी बाय किया है तो 54% कम नहीं होता है, तो वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ठीक है, वीकली क्लोजिंग का वेट करने दीजिए, कल दोपहर के 1:30 बजे तक का वेट कीजिएगा मार्केट का, सुबह नहीं क्लोजिंग होते कूद पड़ो, नहीं निपटा देंगे। ठीक है, फ्लैग बन रहा है अगर देखा जाए तो, और अगर फ्लैग की बात करते हैं तो फ्लैग हमें ये देखिए यहां से लेके फ्लैग पोल की बात करें तो ये देखिए ये रहा, तो 81% तक भी जा सकता है आफ्टर ब्रेकआउट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस या फ्लैग रेजिस्टेंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है करीब करीब 82 सेंट पर, फिर करीब करीब हमारे पास है 76 सेंट पर, देन 65 सेंट पर, तो हमें इस पॉइंट पर तो एंट्री लेनी ही लेनी चाहिए, जैसे कल हमें काफी अच्छी एंट्री मिली यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास लेवल है, टारगेट्स हैं, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा चार्ट, ये मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप उसे जाकर वहां पे देख सकते हैं। तो ये लीजिए, मैंने ये शेयर कर दिया है, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो भी देखिए 8 सेंट पे काफी अच्छा खासा स्पोर्ट था, और स्पोर्ट पे जिसने बाय किया भाई वो तो मजे में है, यानी कम से कम 17% 18% प्रॉफिट साइड पे चल रहा है। दोबारा 8 सेंट पे मिलता तो दोबारा एंट्री ले लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको देखना करीब करीब 7 सेंट पर, और उसके बाद करीब करीब 6.25 सेंट पर, देन होल्ड कीजिएगा। देखिए एफएलएम ठीक है, ठीक है, दोबारा से अगर स्पोर्ट पर एंट्री मिलती तो ले सकते हैं। ओम देखिए डोमिनेंस अगर अभी अभी जैसा लग रहा है बीटीसी डोमिनेंस को गिरना चाहिए करीब करीब 65 प्लस से लेकर 75 के बीच। अगर जैसे ही देखिए नॉर्मल से आपको कैलकुलेशन बता दूं, जैसे बीटीसी डोमिनेंस 68-70 से लेकर और ऊपर जैसे जैसे जाता जाए, बढ़िया प्रोजेक्ट को आप बाय करिए, जैसे पीएचबी है, पीएचए है, ठीक है, सोल है, और आपका लाइक मैटिक है, और आरएसआर है, एफटीएम है, इन प्रोजेक्ट को बाय कीजिए, सॉलिड प्रोजेक्ट और अच्छे प्रोजेक्ट, इनको बाय कीजिए, आपको आसानी से 5x से 10x तक का प्रॉफिट देकर जा सकता है। जैसे जैसे डोमिनेंस ऊपर से जब नीचे डिक्रीज होगी, ये प्राइस इसका पंप होगा, हर 5 से 7% डोमिनेंस पर करीब करीब ये 100% प्रॉफिट देते जाएंगे, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको समझने के लिए, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वेरी कर सकता है। ठीक है, जैसे एल्गो पकड़ लीजिएगा, आरएसआर पकड़ लीजिएगा, ठीक है, एफईटी पकड़ लीजिएगा, काफी अच्छे प्रोजेक्ट सही है। ओम ओम बेहतरीन डंप हुआ है, वैसे देखा जाए तो हमारा करीब करीब 50% के आसपास प्रॉफिट देकर गया था ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, स्पोर्ट था यहाँ पर, ट्रेंड लाइन स्पोर्ट यहाँ पर टेस्ट किया है, अगर आपको 64 सेंट से लेकर और 58 सेंट पर मिलता तो एंट्री जरूर ले लेना इसके अंदर, ओम के अंदर। पीएचए देखिए अगर यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं तो हमारे पास अच्छा जोन है यहाँ पर, एंट्री का आरएसआई पे हमें पॉजिटिव साइन दे रहा है,
बट हमारे अगर 16 सेंट पर भी एंट्री मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगी, ये गिफ्ट होगा हमारे लिए, ठीक है। तो स्पोर्ट आपको दोबारा से देखने को मिलता है 20.5 सेंट, वहां पर एक एंट्री लीजिएगा, उसके बाद 16 सेंट पर टारगेट रहेंगे 25, 28, 31 और 34। एएक्सएस दोस्तों टॉप पर इस तरफ होगा, शायद 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, उन डॉट्स पे जाइए और डॉट्स पे जाने के बाद आपको एक बहुत ही प्यारा बटन जिसे कहते हैं लाइक बटन वो दिखाई देगा, उस लाइक बटन को फटाक से ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो बहुत ही मेहरबानी होगी आप सभी की। तो आपका ये थोड़ा सा अथक प्रयास यहाँ पे चैनल को बूस्ट करने में काफी मदद मिलेगी, ठीक है। जरूर कोई क्वेरी या डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की, अगर मैं दे पाया तो, ठीक है। तो आई होप सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको मिल गए हैं, जवाब मिल गए हैं। किसी का छूट जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसको अपने अपकमिंग वीडियो के अंदर उसको कवर कर लूंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।